सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो मुझे और मेरे गाने तेरी आंखें हैं मधुशाला को इतना प्यार दिया, साथ ही साथ 36 मिलियन व्यूज तक आपने मेरे गाने को पहुंचाया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप सभी को इंटरटेन करता आ रहा हूं और कोशिश करूंगा कि भविष्य में भी मैं आपको इंटरटेन करता रहूं। इसी इंटरटेनमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के बीच कुछ पेश कर रहा हूं, तो गौर फरमाइएगा। ये पेशकश उन बेवफा लड़कियों के लिए जिनके डिक्शनरी में वफा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो कहते हैं कि ऐ बेवफा क्या तुझे ज़रा भी शर्म आती है, ऐ बेवफा क्या तुझे ज़रा भी शर्म आती है, घड़ी मुझे गिफ्ट करके वक्त किसी और के साथ बिताती है। कि ऐ बेवफा क्या तुझे जरा भी शर्म आती है, घड़ी मुझे गिफ्ट कर वक्त किसी और के साथ बिताती है। लिहाज कर इस हुस्न का जो आबरू है तेरी, लिहाज कर इस हुस्न का जो आबरू है तेरी, तुझे पता है तुझे किसने छुआ है और दोष मुझ पे लगाती है। अगली पेशकश माँ बाप के ऊपर है। बहुतों ने माँ बाप के ऊपर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, लेकिन मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी फीलिंग्स है, जो मैं महसूस करता हूँ। तो कहना चाहूँगा कि मैं अपने बाप की शिकायत करूँ भी तो क्या करूँ, मैं अपने बाप की शिकायत करूँ भी तो क्या करूँ, जो भी मांगो वक्त से पहले मिल जाता है। कहते हैं कि मैं अपने बाप की शिकायत करूं भी तो क्या करूं, जो भी मांगो वक्त से पहले मिल जाता है। मैं गोरा काला पीला जैसा भी हूं, मुझे देखते ही मेरी माँ का चेहरा खिल जाता है। शुक्रिया शुक्रिया ऐसे ही शुक्रिया शुक्रिया। अब जो मैं आप लोगों के बीच सुना रहा हूं उसका टाइटल है बेरोजगार लड़के। बेरोजगार लड़के जो अपने आप को बेरोजगार कहते हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, सैकड़ों मर गए हजारों तैयार बैठे हैं। कि जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, सैकड़ों मर गए हजारों तैयार बैठे हैं, और हो जाते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में, और फिर भी कहते हैं कि हम बेरोजगार बैठे हैं। शुक्रिया शुक्रिया ऐसे ही शुक्रिया शुक्रिया। अब यूं मोड़ लेता हूँ इश्क और मोहब्बत के लिए। तो कहते हैं कि कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, लेकिन मुकेश अजनबी ये कहता है कि प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वही प्यार जीने की वजह बन जाता है, वही प्यार जीने की वजह बन जाता है। शुक्रिया शुक्रिया ऐसे ही शुक्रिया शुक्रिया। बचपन से लेके अभी तक जो मैंने ज्ञान पाया वो आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। तो बचपन में माँ ने कहा गर्मी ऊन में होती है। बचपन में माँ ने कहा गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में शिक्षकों ने कहा गर्मी जून में होती है, पिताजी ने समझाया बेटा गर्मी खून में होती है, लेकिन आप लोगों से मिलकर ये एहसास हुआ कि न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है, न गर्मी खून में होती है, गर्मी तो प्यार और मोहब्बत के जुनून में होती है, गर्मी तो प्यार और मोहब्बत के जुनून में होती है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।